हेलो हाँ जी, प्रणाम आंटी, कैसे हैं आप? ठीक बढ़िया हूँ। आप कैसी हो? ही हैं? हाँ आज आकांक्षा का पुण्यतिथि था ना, हैं आंटी आप? गांव में घर पे आई अच्छा हूँ। अच्छा घर आ गए हैं। और सब बढ़िया? बढ़िया, क्या भाग दौड़ लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं आकांक्षा दुबे जी के यहाँ। आज उनका पुण्यतिथि है और उनके माता जी से बात करते हैं। और दोस्तों, आज यही वो घर है जहाँ पे सभी पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, सभी हीरो हीरोइन एक्ट्रेस आए हुए थे आज ही के दिन। और आज ही के दिन पुण्यतिथि यहाँ पर मनाया जा रहा है। चलिए उनकी माता जी से बात करते हैं। तो माता जी, आज 1 साल बीत गया, तो क्या कार्यवाही चल रही है? जी कार्रवाई मेरी सीबीआई जांच की, हाँ, जी जी प्रोसेसर चालू है। यही महीने में हमारा वो हो जाएगा फाइल। और कोर्ट से भी क्या चल रहा है, कब डेट है कोर्ट की? और कोर्ट से भी लगभग 1 साल बीत गए हैं। जी यही महीने में हाई कोर्ट में मेरा फैसला गया है। हाई कोर्ट से ही समर सिंह को बेल मिली है जी जी और हाई कोर्ट से ही हमने सीबीआई जांच का वो किया है, तो ये महीने में ही मेरा सीबीआई जांच का हाई कोर्ट से वो हो जाएगा। क्या अक्षरा सिंह से फिर से आपसे बात हुई? नहीं, हाँ, उनके गए पर अक्षरा सिंह का फोन आवा था, बात करो। तो दोस्तों, अभी अक्षरा सिंह का फोन आ रहा है, आप सुन सकते हैं, बातचीत हो रही है। और हम आपको बताते हैं कि अक्षरा सिंह ने क्या कहा है। तो और तो दोस्तों, आप सुन सकते हैं, अक्षरा सिंह का अभी कॉल आ चुका है, उनके भाई जी बात कर रहे हैं। और हम आपको बताते हैं कि अक्षरा सिंह जी ने क्या कहा है। तो दोस्तों, अभी अक्षरा सिंह सूट पर हैं और फोन कॉन्फ्रेंस की हुई है, अभी आपसे बात कराते हैं। हेलो हेलो, हेलो हाँ जी, प्रणाम आंटी, कैसे हैं आप? ठीक बढ़िया हूँ, आप कैसी हो? ही हैं? आज आकांक्षा का पुण्यतिथि था ना, कहाँ हैं आंटी आप? गांव में घर पे आई अच्छा हूँ। अच्छा घर आ गए हैं। और सब बढ़िया? बढ़िया, हेलो। क्या भाग दौड़ लगा हुआ है। क्या देख बोलिए, आप बताइए। बढ़िया हूँ। ये कौन कौन सब आया है आपके साथ? बड़ा वाला बेटा, छोटा वाला, बहू, नाती, सब लोग आए हैं। अच्छा और आज ये पुण्यतिथि था तो सब आए हैं, मीडिया यहाँ पे, पत्रकार लोग। अच्छा, तो ये पूछ रहे थे कि आज आपसे। की शूटिंग में आए हुए थे, तो आते हम भी। ठीक है, और सब बढ़िया है ना? बताइए ना आंटी, कुछ कहना चाह रहे हो ना आप? आ कुछ कहना चाह रहे हो ना? हाँ, वही ये लोग आए थे तो वही पूछ रहे थे कि आप से, माने 1 साल हो गया सब आए थे, तो फिर आपसे बातचीत होती है कि नहीं? तो मैंने बताया कि पवन सिंह तो मेरा फोन उठाते नहीं, उनके मैनेजर उठाए, अब और अक्षरा सिंह है। सुनिए ना आंटी, कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, किसी का भी आप जान रहे हैं ना कि हमको किसी से मतलब नहीं है ना? तो उन लोग का नाम लेके क्या मतलब है? आप फोन करिए हमको, हम नहीं मिले तब बोलिए ना। हाँ, तो वही मैंने बोला कि हाँ, वो मुझे तो फोन बात करती करते हैं और हैं। लोगों का, कौन हाँ, क्या कर रहा है वो मुझे फोन करती ना। हैं और मैं भी फोन करती हूँ, तो फोन उठाती हैं, हाल समाचार मेरा होता है, और बाकी कोई मेरे नहीं फोन करता है मुझे। जी, आप कभी भी फोन करिए हमको, कभी भी जब दिल करे तब कॉल करिए, ठीक है? आदमी ठीक। भाग दौड़ में रहता है आंटी, उतना याद नहीं रहता है। हाँ, मेरे ऊपर भी वही बहुत जिम्मेदारियां है ना। मैंने भी वही बोला कि भाई शूटिंग वूटिंग रहती है, मैं ये हाँ इधर बिचर मैंने फोन नहीं किया, वो भी अपने शूटिंग पे वो रहती थी, इसके लिए वो भी नहीं करी मैं, लेकिन मैं जब भी फोन करती हूँ तो वो उठाती हैं। अच्छा, मीडिया से बात करेंगे? मीडिया शूटिंग पे। हेलो एक दो वर्ड कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो, आंटी ये बोल रहे हैं कि आप इनसे, ये लोग से मीडिया बात करेंगी से बिल्कुल मीडिया से? नहीं बात करेंगे, हमको क्यों बात करनी है किसी से, हम आपसे बात करेंगे ना।
नहीं मैम, जैसे कि हम लोग मीडिया से अभी बहुत सारे लोग हैं तो जानना चाहते हैं कि सभी लोगों का सम्मान है जी, लेकिन ये सब चीजें ना, कुछ चीजें ना प्राइवेट भी रखनी चाहिए जी मैम जी, उजागर करने के लिए नहीं होता है। तो अगर ये रिश्ता बना है हम लोगों का, नहीं ये काफी अच्छा लगा कि आप बातचीत कर रही हैं। ये इस बारे में हम, जरूरी नहीं है हर बार हर चीजें ना मीडिया में आए, और ये बहुत क्रिटिकल जी जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपकी बात सुन के, काफी अच्छा लगा कि आप इस तरह सोच रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए सभी लोग, मैं बहुत सम्मान करूंगी अगर आप भी ऐसी ही सोच रखेंगे मेरे प्रति। जी जी जी, है ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं, है ना जी मैम, उसके अलावा कोई बात ना ही करें तो बेहतर होगा। ओके मैम, ठीक है मैम, ओके थैंक यू जी जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ जी आंटी, हाँ बताइएगा, आपको जब भी दिल करेगा हाँ फोन करिएगा, और कुछ जरूरत रहेगी तो फोन करिएगा। हाँ हाँ ओके, ठीक 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 है आंटी, और ये सब मीडिया फीडिया के लिए मत कॉल किया करिए, नहीं अच्छा लगता है हमको, ठीक है ना। आप जान रहे हैं मेरी अपनी अलग दुनिया है, उसमें ना ना मैं किसी से बात करना चाहती हूँ, ना फालतूगिरी मैं करती हूँ, है ना। रखा मीडिया नहीं सही है ये नहीं सही तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि अक्षरा से उन्होंने बात किया, वो इतनी शूटिंग में बिजी होने के कारण भी माताजी से बात की, हाल चली, उन्होंने कहा कि हम कभी भी बिजी भी रहते हैं तो माताजी आप हमें एक बार कॉल करेंगी तो हम जरूर बात करेंगे। आपने पूरी बात अभी सुना तो माताजी बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने हाल चाल पूछा कि इतने सारे एक्टर थे, पवन सिंह ने यहाँ तक कहा कि हम उनके बेटे, आपके बेटे हैं, फिर भी कभी हाल चाल नहीं लिया। अक्षरा सिंह ने कहा कि उन्होंने पूरे आपसे बात की और हाल चाल पूछा, और उसके बाद आंटी जी कभी कोई पूछा, खेसारी लाल यादव जी आते रहते हैं, कभी आए यहाँ पर नहीं, कोई ना खेसारी लाल आए जी, ना मनोज कुमार तिवारी, ना रवि किशन जी, कोई नहीं। और ये समर सिंह खेसारी तो विंध्याचल में 2-3 अभी 2 अप्रैल को गया था जी, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं किया। और समर सिंह बेल पर चल रहे हैं तो हाँ, क्या अब इसके बाद क्या होगा उनका? होगा, फिर मैं बहुत जल्द लाऊंगी समर सिंह को अंदर जेल के अंदर, फिर मैं बहुत जल्द लाऊंगी, न्याय तो मुझे मिलेगा, और मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं हारूंगी नहीं जी मैम, मैं लड़ाई लड़ूंगी। माता जी जो सोमेंद्र होटल में उनका सामान रखा हुआ है, क्या सामान आपको मिला वो सब चीजें? सोमेंद्र होटल में सामान कहाँ है, पुलिस वालों ने सब निकाल के ले लिया है जी, जबकि मुझे बार बार फोन किए सामान निकाले, मैं बोली सामान नहीं निकलेगा, ऐसे कैसे मैं सामान ले लूं अपनी बेटी का। होटल मैनेजर मुझे जवाब दे जी, होटल मालिक आके मुझे जवाब दे, मेरी बेटी की हत्या हुई कैसे, उसमें अपराधी घुसे कैसे, लेकिन नहीं, ना होटल सील हुई, ना होटल मैनेजर गिरफ्तार हुआ, ये पुलिस वाले मुझे बार बार समय मौली नहीं निकालूंगी, पुलिस वाले मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी का सामान निकाल के लाके चौकी में रखे हैं जी। हाँ, अब वो सामान में से भी क्या वो लोग हटाते हैं और क्या रखते हैं। हाँ, तो आकांक्षा दुबे की घटना होने के पहले कभी आपसे कहा था कि मम्मी ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ, या समर सिंह ऐसा कुछ करने वाले हैं, कभी आपसे कुछ ऐसा कहा वो था? वो तो मुझे नहीं बताई, लेकिन अपने सहेली लोग से बताई थी, मुझसे नहीं बताई, वो लोग बोली कि अपनी आंटी से बोल दे, तो बोली मैं मम्मी से नहीं बोलूँ, मम्मी मेरी बहुत दुख काटी है और मैं मम्मी से बोलूंगी तो मेरी मम्मी और हो जाएगी। वही मैं बोली कि जब मैं इतना झेली हूँ, जानती हूँ मम्मी तुम्हारी इतनी स्ट्रगल, तो क्या मैं तुम्हारा दुख नहीं झेल सकती थी? आज तुम मेरे पास रहती, आवाज मैं समर सिंह को जिंदा खा जाती थी फाड़ के, अगर तुम मुझे जरा से बताई होती मैं समर सिंह को कब का फाड़ के खा ले गई होती। माता जी ये सीबीआई का खुलासा जो आप बार बार कहती हैं, कब तक आएगा इसका रिपोर्ट या कब होने वाला है? ये महीने में हम लोग का प्रोसीजर चालू है, ये महीने में जब हो जाएगा जी, 1 साल बीत चुके हैं पूरे। हाँ ठीक है दोस्तों, आपने सुना माताजी की बातें, और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि सीबीआई की रिपोर्ट आने वाली है, और हाई कोर्ट में भी जो भी केस चल रहा है उसका जल्द ही निर्णय होने वाला है।